सबसे पहले तो उनका धन्यवाद जिन्होंने यहाँ विधान कराया। दूसरे नंबर पर उनका धन्यवाद जो 8 दिन तक बैठ करके संपूर्ण विधान का लाभ लिया। तीसरे नंबर पर उनका धन्यवाद जो ट्रस्टी बन करके यहाँ पर इतने बड़े विशाल हॉस्पिटल का निर्माण करा करके मानवीयता की सेवा के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया। चौथे नंबर पर उनका धन्यवाद जो संरक्षक परम संरक्षक बन करके इसके संरक्षण में और विकास में अपना अद्भुत सहभागिता प्रदर्शित कर रहे हैं। पांचवें नंबर पर उनका धन्यवाद है कि इतने बड़े कार्य को संपूर्ण करने के लिए यहाँ 70 लोगों का डॉक्टर एवं अन्य लोगों की टीम है, 70 लोगों की जो टीम है जिनके कारण से यहाँ पर संपूर्ण कार्य सानंद संपन्न होने जा रहा है। अष्टम नंबर पर उन लोगों को भी धन्यवाद दे रहा हूँ जो यहाँ करके देख चुके हैं और देखने के उपरांत घर जाते हैं और घर जाने के उपरांत अपने मन में कोई न कोई भाव बनाते हैं, फिर लौट करके जब आते हैं तो सोचते हैं गुरुदेव जिस ओर आपने कदम बढ़ाया है उस पद चिन्हों पर हम भी अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे, उनका भी धन्यवाद है। पाठ करो दिन 8 ठाट से प्राणी, फल पायो मैं नारानी।
में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु करना कृपा अब मुझे पर, हे प्रभु मुझे पर, हे प्रभु मुझे पर। जय जय तीर्थंकर कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु। विधान हुआ है गुरुदेव के सानिध्य में, बहुत अच्छा विधान खत्म हुआ और गुरुदेव का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे हमारे परिवार पे और सभी इष्ट मित्रों पे। सभी को इस विधान में लगने की बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने हमारा साथ दिया। और जितने भी मित्र हैं हमारे, संजय भाई, सचिन भाई, अमित भाई, अभिषेक भाई, सार्थक भाई, संदीप भाई, सभी का बहुत बहुत दिल तह दिल से मेरे परिवार की ओर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमोकार मंत्री ने बहुत अच्छा कवरेज किया, उनको बहुत शुभकामनाएं, आगे ऐसे ही तरक्की करें। सभी को जय जिनेन्द्र। आचार्य सौरभ सागर जी महाराज के सानिध्य में हमें देहरादून से कुबेर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो कि हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। 2019 के चतुर्मास में मुख्य संयोजक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, इसी प्रकार हमें आगे भी सौभाग्य प्राप्त होता है। और 8 दिवसीय सिद्ध चक्र विधान में जो आनंद आया है, सभी को, देहरादून से भी लोग आए, सरधना से भी आए, दिल्ली से, आसपास के सभी जगह से, गाजियाबाद से, मेरठ से, लखनऊ से, बाराबंकी से, बड़ोस से, सभी ने आनंद लिया। और आज रथ यात्रा का भी 5 साल के बाद रथ यात्रा पहली बार गुरुजी के सानिध्य में पहली बार 3 रथों के साथ रथ यात्रा निकली है, जो कि से आनंद संपन्न हुई। और आगे भी चाहेंगे गुरुजी का सानिध्य इसी प्रकार मिलता है। बोलाचार्य सौरभ सागर जी महाराज की जय। और 9 दिन जो विधान चला है, इसमें नमोकारमन का जो चैनल है, इसने पूरी अपनी सहभागिता निभाई है और इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय हो आचार्य पुष्पधन सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य संस्कार पुण्यता ज्ञान योगी आचार्य गुरुदेव 108 सौरभ सागर जी महाराज की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, जैसा कि आपको पता ही है, बिनशापुण तीर्थ क्षेत्र पर परम पूज्य संस्कार पुण्यता ज्ञान योगी आचार्य भगवान सौरभ सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 10 दिवसीय शिक्षक महामंडल विधान एवं मनशापुण तीर्थ क्षेत्र का 5वर्षीय रथयात्रा महामहोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसका मंगल समापन आज सोमवार दिनांक 20 तारीख को बड़े ही भक्तिभाव के साथ समापन हुआ। इस विधान में विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न नगरों से पधारे, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, देहरादून आदि आदि जगह से भक्तगण 10 दिन यहाँ रहकर सिद्ध भगवान की आराधना की। मैं सुदेश जैन एवं मेरी पत्नी श्रीमती सुमन जैन, हम सिद्ध चक्र महामंडल विधान में जो है यज्ञनायक की भूमिका में थे। और यह विधान श्री गुरु सौरभ सागर जी महाराज के सानिध्य में जीवन आस्था हॉस्पिटल के परिसर में बहुत सुंदर तरीके से सोधर्मेंद्र अमित जैन जी के सानिध्य में हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।